हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे परमाणु तत्व को याद करने की ट्रिक, जिसमें आप 1 से लेकर 20 तक परमाणु क्रमांक याद कर सकते हैं। और इस इजी ट्रिक में आप 1 से 20 तत्व के प्रतीक यानी कि उनके सिंबल भी आसानी से याद कर पाएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे 1 से लेकर 11 तक जो तत्व है उसे याद करने की ट्रिक। और उससे पहले हम 1 से लेकर 11 तक जो पहले 11 तत्व हैं, पहले 11 एलिमेंट्स हैं, उनके नेम लिखते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, और उसके बाद बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन और सोडियम। जो ट्रिक अब की बात करते हैं, जो ट्रिक हमारी है उसमें यह है कि अगर हम किसी को बोलते हैं कि पानी कम इस्तेमाल करो, बिजली बचाओ, तो कोई बात नहीं मानता। तो इसकी शुरुआत हमको ही करनी पड़ती है। तो हमारी लाइन इसी पर है कि हम ही लाइट बिजली बचाना चाहेंगे, क्योंकि हमें ही उसकी शुरुआत पहले करनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से लाइट बिजली के बारे में, हम ही लाइट बिजली बचाना चाहेंगे, ना कि मतलब कोई और नहीं करेगा, ना कि और फालतू नीच नदान। जो नीच और नदान मतलब जो ना समझ लोग होते हैं वह इसकी शुरुआत नहीं करते। तो इसीलिए हमें ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए। हम ही लाइट बिजली बचाना चाहेंगे, ना कि और फालतू नीच नदान। तो ये लाइन आपने याद रखनी है, जिससे आप 11 तत्व के परमाणु क्रमांक और उनके सिंबल आसानी से याद कर पाएंगे। जैसे ये लाइन हमने तत्व के साथ लिख ली। और अब हम बात करते हैं इनके सिंबल के बारे में। जो हम का H है वह हाइड्रोजन का सिंबल, ही में जो HE है वह हीलियम का सिंबल, लाइट में जो LI है वह लिथियम का सिंबल यानी कि लिथियम का प्रतीक भी कह सकते हैं हम उसे, बिजली का BE बेरिलियम का सिंबल हो गया, बचाना में जो B है वह बोरन का, चाहेंगे में C कार्बन का, नाकी में जो N है वह नाइट्रोजन का, और में O ऑक्सीजन का, फालतू का जो F है वह फ्लोरीन का सिंबल हो गया, नीच में जो Ne है वह नियोन का, और नादान में Na सोडियम का सिंबल। उसी हिसाब से आप परमाणु क्रमांक याद कर सकते हैं। लाइन में जो अक्षर जितने नंबर पर आएगा वही उस तत्व का परमाणु क्रमांक होगा। अब बचे 12 से लेकर 20 तक परमाणु क्रमांक वाले। पहले इनके नाम लिखते हैं, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम और कैल्शियम। अब पहली लाइन जो हमारी थी वो थी कि नीच और नादान नहीं बचाएंगे लाइट, यानी कि वो आलसी लोग होते हैं। और आपको पता है आलसी लोगों का क्या काम होता है, वो सिर्फ सवाल पूछते हैं और कुछ नहीं कर सकते, खुद तो कुछ उन्होंने करना नहीं, उनका काम है सिर्फ सवाल पूछना। तो अगली जो लाइन है वो है कि मगर आलसी सिर्फ पूछेंगे सवाल। जो आलसी लोग होंगे वह बिजली नहीं बचाएंगे, वो क्या करेंगे, आलसी सिर्फ पूछेंगे सवाल। इस लाइन की हेल्प से आप अगले 5 तत्व के जो हैं उनके सिंबल आप याद कर सकते हैं। जैसे हमने लिख लिया है साथ में इसको, जो मगर का Mg है वह मैग्नीशियम का सिंबल हो गया, आलसी में Al, एल्युमिनियम का, सिर्फ में Si, सिलिकॉन का, और पूछेंगे में P, फास्फोरस का, और सवाल का जो S है वह सल्फर का सिंबल। इसी तरह से आप इनके परमाणु क्रमांक याद करेंगे। पहले 11 तक हो गए थे, तो मगर में जो Mg होगा 12वां अक्षर है तो उसका परमाणु क्रमांक 12, आलसी में जो Al है वो उसके बाद आता है तो उसका परमाणु क्रमांक 13, इसी तरह से आगे। तो अगला टॉपिक है वो है कि वो सवाल कैसे पूछेंगे,
फोन पर पूछेंगे, मोबाइल पर, कैसे? क्लोज आर्म कर काल, यानी कि अपनी आर्म आलसी लोग हैं, हाथ में मोबाइल भी नहीं पकड़ते, तो क्या करते हैं, क्लोज आर्म कर काल। तो इसमें आर्म क्लोज की हुई है पिक्चर में और वह काल कर रहा है आलसी। तो इसी लाइन की हेल्प से आप आगे के चार जो तत्व हैं, एलिमेंट हैं, उनके सिंबल याद करोगे। जो क्लोज में सी एल है वह क्लोरीन का सिंबल, आर्म का ए आर आर्गन का सिंबल, और कर का के पोटाशियम का सिंबल, और काल का सी ए कैल्शियम का सिंबल। इसी प्रकार अगर आप ये लाइन्स याद कर लो और इन जो ये लाइनें हमने बताई हैं इसको आप नोटबुक पर भी नोट कर लीजिए, ताकि आप फर्स्ट से लेकर 20 तक के सिंबल और उनके तत्व के नाम और परमाणु क्रमांक को आप याद रख पाओ। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो मिल सके देखने को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।